ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। प्रदेश के सोनभद्र में आदिवासी विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने आज मंडल यातायात प्रबंधक पूर्व मध्य रेल चौपन कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। वे रेणुका नदी पर हजारों आदिवासियों के आने जाने के लिए रेलवे लाइन के नीचे से रास्ता बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। सोनभद्र में आदिवासी विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने सड़क समस्या को लेकर मंडल यातायात प्रबंधक पूर्व मध्य रेल चौपन कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में रेणुका नदी पर रेलवे लाइन के नीचे रास्ता बनाने की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी है, लेकिन इसे शीघ्र बनाए जाने की मांग की जा रही है। रेलवे लाइन का दोहरीकरण हाल ही में हुआ है, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया है और आदिवासियों को ओबरा से आने जाने के लिए 15 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। बारिश के कारण रास्ता खराब हो चुका है, जिससे पैदल और दोपहिया वाहन से लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही है। आदिवासी विकास मंच ने रेलवे प्रशासन से अनुरोध किया कि शीघ्र रेलवे लाइन के नीचे जाने वाला रास्ता बनाया जाए, जिससे रेलवे के काम में भी कोई बाधा ना आए। ज्ञापन में मांग की गई है कि जब तक नया रास्ता नहीं बन जाता, तब तक पुराने रास्ते को अवरुद्ध ना किया जाए। खराब है, इसके संबंध में हम लोग अभी कुछ दिन पहले जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए हम लोग गए थे कि यथाशीघ्र सड़क बनाया जाए, जो नया पुल बना हुआ है रेणुका नदी पर, वहाँ से लेकर के परसोई तक पूरी सड़क एकदम क्षतिग्रस्त है। बेलहत्थी में बहुत बड़ी समस्या एक है रेलवे क्रॉसिंग का, वहाँ पर दोनों तरफ से गांव है, बीच में रेलवे लाइन है। बच्चे 400 बच्चे प्रतिदिन पढ़ने लिखने के लिए आते हैं सिर्फ रेलवे लाइन क्रॉस करके, हजारों लोग रेलवे लाइन क्रॉस करके पैदल आते जाते हैं। तो इस संबंध में डीएम साहब को हम लोगों ने निवेदन किया है कि कागज़ भी दिया है रेलवे विभाग से जो मिला है, उसको दिखाया गया कि साहब ये दिक्कतें आ रही है, ये आपके लेवल की चीज़ है, इसको आपको करना है। अब ये कब तक हो पाता है अब इसको देखने वाले। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।